आज हम चने की दाल बनाएंगे और थोड़े से मसाले से बिल्कुल ढाबा स्टाइल चने की दाल बनकर तैयार होगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी चने की दाल लिया है, तो इसको एक बड़े बाउल में डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मूंग की दाल। मैं मूंग की दाल क्यों डाल रही हूँ अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। तो दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसको 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुलकर एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और अब इसमें डाल देंगे लगभग 2 ग्लास पानी। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और पानी ऐड कर लेंगे। और 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, साथ में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसका प्रेशर लगाकर गैस पर चढ़ा देंगे। 3 सीटी आने के बाद गैस फ्लेम ऑफ करके इसका प्रेशर अपने आप से निकलने देंगे। तो जब तक दाल पक रही है तब तक चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब दाल में डालने के लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 3 हरी मिर्च है, 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं और लगभग 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। तो सभी चीज़ों को छिलकर धुलने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हरी मिर्च को लंबे टुकड़े में कट कर लिया है और टमाटर को छोटे टुकड़े में, प्याज को भी छोटे टुकड़े में, अदरक को लंबे और पतले टुकड़े में और लहसुन को हल्का सा क्रश कर लिया है। और इधर देखिए हमारी दाल भी पक चुकी है। तो दाल को बहुत ज़्यादा मैशी नहीं करेंगे, बस दाल अच्छी तरह से गल जाए उतनी देर ही पकाएंगे। तो इसमें देखिए एक एक दाने सब साबुत दिख रहे हैं, तो इसी तरह से चने की दाल होनी चाहिए। और ये दाल अच्छी तरह से पकी हुई है, क्योंकि चने की दाल है तो ये बनने के बाद थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप गर्म पानी डाल दिया है और हल्के हाथ से एक बार इसको मिक्स कर देंगे। तो ये दाल हमारी तैयार है। अब हम चलिए इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम एक पैन में लगभग 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। तेल को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे धुआं निकलने तक, ताकि तेल का कच्चापन दाल में ना आए। तेल बहुत ज़्यादा गरम है तो अगर हम इसी समय जीरा डाल देंगे तो जीरा जल जाएगा, इसलिए पहले हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और फिर से फ्लेम ऑन करके लो पर रखेंगे। तो जीरा जैसे ही चटक जाएगा इसमें ये लहसुन डाल देंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, यानी कि इसका कच्चापन खत्म होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन का कलर हल्का चेंज होने के बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज का हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। मसाला तैयार करते समय ही गैस खत्म हो जाने की वजह से मैंने इसको इंडक्शन चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता होगा ना कि जैसे आप कुछ बना रहे हो या बहुत ज़्यादा जल्दी है तो उसी समय गैस खत्म होती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मैं चाय बना रही हूँ और चाय में उबाल आने वाली होती है उसी समय गैस खत्म हो जाती है, या फिर रोटी बनाते समय आखिरी रोटी बनाने को बचती है उस समय भी गैस खत्म हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। प्याज का कलर हल्का चेंज होने के बाद इसमें ये अदरक और टमाटर डाल देंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक दोनों चीज़ों को पहले हम पका लेंगे। तो अब इसमें डाल देंगे लगभग 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का हम यूज नहीं करेंगे और यहाँ पर हम साबुत मसालों का भी यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, इन सब किसी भी मसालों का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें बहुत सारा आप मसाला डाल देंगे तो सिर्फ मसालों का ही टेस्ट आता है, उसका अपना कोई टेस्ट रह ही नहीं जाता है। तो आज मैं जो चने की दाल बना रही हूँ इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ और ये सिंपल होने के बावजूद खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक ध्यान में रख के डालेंगे कि दाल को बॉयल करते समय भी हम नमक डाले हैं। अब मसालों को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए, और इसको इस तरह से प्रेस भी करते रहेंगे ताकि टमाटर मैश भी होता रहे। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च। हरी मिर्च मैं लास्ट में डाल रही हूँ ताकि इसका कलर खराब ना हो। इस तरह से डालने से इसका कलर भी नहीं खराब होता है, और अगर जिसको हरी मिर्च नहीं चाहिए वो निकाल भी सकता है। अब इसमें हम ये दाल डाल देंगे, और दाल डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। इसमें हम मूंग की दाल इसलिए डाले थे ताकि दाल और पानी अलग अलग ना हो। जब हम सिर्फ चने की दाल से दाल बनाते हैं तो पानी अगर थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो आप अक्सर देखे होंगे कि दाल अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है। ढाबे वाले भी इसी तरह से चने की दाल में थोड़ा सा मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल डाल देते हैं, जिससे कि दाल में पानी और दाल अलग अलग ना हो। तो इसको हम बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद दाल जमने लगती है। यहाँ पर हमारी दाल बनकर तैयार हो गई है, लेकिन इसको और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने से पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ढककर रख देंगे, और मैं पहले सिलेंडर लगा ले रही हूँ, उसके बाद गैस चूल्हे पर तड़का लगाकर फिर आपको दिखाऊंगी। तो तड़के के लिए पहले एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी जैसे ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, क्योंकि घी अच्छी तरह से गर्म है तो अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच हींग। हींग जब हम ऊपर से डालेंगे तो हींग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और हींग डालने के तुरंत बाद ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है और ढाबे वाले भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। तो सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और अब इस तड़के को हम दाल में डालेंगे। दाल में तड़का डालने के बाद तुरंत इसको ढक देंगे ताकि तड़के का फ्लेवर निकलने ना पाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद दाल में तड़के को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बहुत बढ़िया दाल बनी है, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि दाल और पानी सब अलग अलग है। गर्मा गर्म चने की दाल और चावल खाने में बहुत मजा आता है। तो चने की दाल की ये रेसिपी एक बार आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।